प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन था। पीएम मोदी ने जहां दौरे के पहले दिन यानी कल राज्य को कई सौगातें दी, तो वहीं आज दौरे के दूसरे दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने गुजरात को अनोखी सौगात दी है। तो आज क्या कुछ रहा खास, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दो दिन के दौरे पर हैं। कल जहां पीएम मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क और एकता मॉल जैसी कई सौगातें गुजरात को दी थी, तो वहीं पीएम मोदी ने ट्रेनी आईएएस अफसरों को आज संबोधित किया। पीएम ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि रूल और रोल का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने देश के पहले सी प्लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सी प्लेन का पहला सफर पीएम ने केवड़िया से साबरमती तक किया। बता दें कि ये सी प्लेन अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। सी प्लेन की सेवा रोजाना पर्यटकों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। इससे पहले पीएम ने पहली बार साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सी प्लेन का सफर किया था। तब भी उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरी थी। तब पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरकर 49 किलोमीटर दूर धरोई डैम पहुंचे थे। वहां पीएम ने मशहूर अंबा देवी के दर्शन किए थे और फिर सी प्लेन में वापस साबरमती रिवर फ्रंट पर लैंडिंग की थी। तब पीएम मोदी के सी प्लेन के सफर को लेकर काफी सियासत भी हुई थी। तो क्या इस बार पीएम मोदी सी प्लेन के बहाने 2022 को साधने की कोशिश कर रहे हैं? डीबी लाइव की रिपोर्ट।